एवरीवन, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पे आने में वक्त नहीं लगता। हर वक्त का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का लेकिन क्या है, हर आदमी की सोच अलग अलग है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कामयाबी का पता नहीं, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। अगर आप ढूंढोगे तो जरूर मिलती है। और मैं सीधी सी बात बोलता हूँ सबको कि असफलता का मतलब होता है कि सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उसे ढूंढो। लोग जब कहीं भी सक्सेस नहीं होते तो कोई बोलता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक सफल और एक असफल आदमी में मेन फर्क क्या होता है, आप मुझे कोई बता सकता है? एक सफल आदमी में और एक असफल आदमी में क्या मेन फर्क होता है? सोच का। सफल और असफल आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि असफल लोग जिस काम को छोड़ दिया करते हैं, सफल लोग उसी काम को किया करते हैं। मतलब एक असफल आदमी अगर 5 बजे नहीं उठता है तो सफल आदमी 5 बजे नहीं उठना चाहता है, लेकिन वो 5 बजे उठता है। तो जिस काम को असफल लोग छोड़ देते हैं, सफल लोग उन्हीं को करते हैं। और मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड बिना समस्याओं के नहीं होता। आप किसी एक आदमी का नाम नहीं बता सकते पूरे वर्ल्ड में जो कामयाब हुआ हो और उसमें असफलताओं का स्वाद ना चखा हो। असफलताएं आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में असफल हो रहे हो, क्यों होंगे? क्योंकि आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। जो लोग प्रॉब्लम पे काम करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम लाई होती है उसको पहाड़ बना देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, लूजर हो जाते हैं। और जो आदमी संभावनाओं पे काम करता है, वो सफल हो जाता है। तो मैं तो इतना बोलता हूँ भाई, प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है। और मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि आपके पास फर्स्ट लेवल अचीवर, सॉरी आपके डाउनलाइन में फर्स्ट लेवल जितने लोगों के नंबर आपके पास हैं उनको सेव करो। अगर 500 डायरेक्ट हैं, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नीचे 1250 तक डायरेक्ट हैं, तो मैं कहता हूँ उनको आप SIW1234 करके सेव कर लो, 4 ग्रुप बना लो। जो भी मोटिवेशनल ऑडियो आती है, वीडियो आती है, राजीव सर की आती है, जो भी आपको प्रमोशनल मटेरियल मिलता है अपने ग्रुप में, उसको आप भेजते रहो लगातार। एक बार आपका फर्ज बनता है उनको समझाना। और कोई नहीं समझता, देखिए कुछ गधे ऐसे होते हैं जिनको लाख गंगा रहा वो घोड़े नहीं बनते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं कर रहा उसको समझाओ ना। अपना भी एक फर्ज बनता है, पेरेंट्स का, गार्जियन का, अपलाइन का एक बार फर्ज बनता है, चाहे वो खेल में जुड़ा। अब एक जेंटलमैन कभी खेल में जुड़ गए थे, उनकी ज्वाइनिंग लगी है आइडिया के नाम से। मैंने कहा तो बिरला जी के पास ही जाएगा, उन्होंने लगा लिया आइडिया। शुरू में बहुत लोगों ने इसको मजाक में लिया, और दोस्तों सही बताऊं ये मजाक ही है। खेल में यहाँ बच्चे बड़े हो गए और हजारों से लाखों तक कमा रहे हैं ना। ताली होती है जिसपे कि मजाक में खेल में क्या है ये प्लेटफॉर्म कि आपने अपनी लाइफ का, देखो हम ये कहते हैं जितना भी आप समय दो, किसी के पास 10 मिनट है, किसी के पास 2 घंटे हैं, किसी के पास 8 घंटे हैं, कुछ लोगों के पास 18 घंटे भी है। जितना भी आप समय देते हो जिस चीज को भी देते हो दिल से दो, जितना भी समय दो, क्योंकि जो चीज दिल से आप करते हो ना उसका रिजल्ट डेफिनेट बढ़िया मिलता है। तो मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप अपनी टीम इतना बोल दो भाई ये प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना, संभावनाओं में काम करोगे सफल हो जाओगे, और अगर समस्याओं में करोगे तो असफल हो जाओगे। तो सोशल वर्ल्ड जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरी एंट्री लगी थी, मैंने 1-2 महीना काम किया था वहां, मेरे आज भी $5-6 बनते हैं, मैंने काम किया ही नहीं, 1-2 महीने एंट्री डाल के छोड़ दी थी। तो मतलब इतने टफ प्रोग्राम हैं वहां पे, अगर आप 1 साल मेहनत कर लो, अपने लाइफ के 8 घंटे भी दे दो, आप 1 साल में उतना नहीं कमा पाएंगे जितना सोशल वर्ल्ड में आप 1 हफ्ते में कमा लेंगे। तो इतना पैसा फ्री के प्रोग्राम में, जहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी होती, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ इतनी साफ सुथरी पेमेंट। अगर कंपनी ने 25 से 30 बोला तो दोस्तों 31 नहीं होती। अगर आपका KYC, आपके पूरे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो 1 भी दिन आप आगे नहीं आते। तो ऐसा प्लेटफॉर्म की अगर आपने शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर ली,
एक महीना, दो महीना, पांच महीना, छह महीना, साल थोड़ी सी मेहनत कर ली, बाद में क्या करना है आपने, बाद में आपने ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करना है। सिर्फ 10 मिनट लगा रहे हैं ऐड देखने में, और क्या है, कॉल्स आती हैं, इंपॉर्टेंट करना है, उनकी समस्याएं बतानी है। और दोस्तों नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, आज हम कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड प्लान कर रहे हो या कोई भी प्लान कर रहे हो, दोस्तों ज्वाइनिंग आती है तो पैसा आता है। अब आपके ग्रुप में आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, आज हॉलीडे है, फनी सैटरडे है, ठीक है ना, सब यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी जेब में पैसे गिर रहे हैं, किसी के $20 बन गए होंगे, किसी के $50 बन गए होंगे, किसी के $60, किसी के $10, किसी के 20, किसी के 2, किसी के छुट्टी है, कोई ज्वाइनिंग भी नहीं लगी, मान लिया सर्वर प्रॉब्लम भी आ गई, मान लिया फिर भी क्या है, जेब में डॉलर डले, तो है किसी में ऐसा कुछ, इस पर ट्रैफिक होनी चाहिए ना। तो सोशल नेटवर्क की खासियत है, आपने काम किया नहीं किया, आज ज्वाइनिंग आई नहीं आई, लेकिन नोट आपके फिर भी छप रहे हैं। और जगजीत सिंह की गजल थी, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया है। अभी जब इसे मैं चैनल में एक शुरू किया है मैंने, सवाल आपके जहाँ हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो ऐसे कॉन्टिन्यू छोड़ दें, हम देते जाएंगे। अब कुछ चीजें होती हैं जो कि मेरे को राजीव सर से, अमित सर से इधर से क्लियर नहीं होती, लेकिन मैं अपने हिसाब से जवाब देता हूँ। मेरा दिल बोलता है कि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसा होगा, और मेरा दिल बोलता है अभी मैंने क्या प्लानिंग है, सर के साथ रहेंगे अभी आज का दिन, कल का दिन समझेंगे, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि आपको MLM से जो चाहत थी, जो आपके ड्रीम थे, वो सारे यहीं पे पूरे होंगे। जो जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे करने को मिलेगा। तो बस ये है कि हम लोग थोड़ा यहाँ लगे रहें तो बहुत कुछ पा सकते हैं, तो इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर का, अमित सर का, एक कहते हैं ना, इन्होंने कहा कि अमित सर पे बोलते नहीं, भाई एक ने कही दूसरे ने मानी, तो दोनों लोग अगर बोले तब भी अच्छा नहीं होता, एक बोलता है कुछ रहता है, तो बड़ा बढ़िया सर ने परफॉर्म किया है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं, हमने कहा था लखनऊ घूमो सर, हमें लगता है कि हर 6 महीने में 3 महीने में लखनऊ घुमाते रहेंगे, अभी सर यहाँ उसमें बुलाएंगे फिर बुलाते रहेंगे, लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ जो गैदरिंग है मैच में और पीछे तक होगी, आगे और पीछे तक होगी, तो ये है दोस्तों लगे रहिए। और मेन चीज़ है अपनी टीम को थोड़ा जरूर समझाइए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मोटिवेशन, खाली मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, बहुत से लोग कहते हैं जिसकी जेब में पैसा होता है उसको मोटिवेशन आ जाती है, उसको बोलना आ जाता है। तो कहते हैं ना, अगर जो चीज़, अगर किसी के पास पैसा है, किसी के पास नॉलेज है, उसको बोलना आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, अगर वो बोल रहा है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा अच्छी बात है, वो उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है फिर भी आप उसके बारे में बोल रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया में बोलते हो लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, ये असंभव है। मैं तो भाई ये सोचोगे तभी होगा, जिसकी जितनी बड़ी डिजायर होती है उसकी जीत भी उतनी बड़ी होती है। अभी आप सोचो कि मैंने सोशल मीडिया से लाख, 2 लाख, 4 लाख कमाना है, नहीं, करोड़ों तक आप पहुँचोगे, और कैसे पहुँचोगे तो सब बताएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो बस यही है कि थोड़ा आप लोग लगे रहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू।